मुरादाबाद सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने पूर्व जेल विजिटर मोहम्मद इदरीस के कैंप कार्यालय पीपलसाना जनपद मुरादाबाद पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने जनहित में चहुमुखी विकास कर प्रदेश को आगे बढ़ाया था। हमारी सरकार न होते हुए भी हमारी प्राथमिकता विकास है, जो हम लगातार करा रहे हैं। कार्यकर्ताओं का सम्मान हमारे दिल में है, इसीलिए हम लगातार कोशिश करते हैं कि हर कार्यकर्ता तक पहुंचे। इस अवसर पर आवाम को खिताब करते हुए पूर्व जेल विजिटर मोहम्मद इदरीस ने कहा कि आज हम बेहद खुश हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने मेरे कैंप कार्यालय पर आकर मेरी कार्य करने की ऊर्जा को और अधिक प्रोत्साहित किया है। हम वही करेंगे जो क्षेत्र के विकास हेतु आवश्यक होगा। इस अवसर पर मोहम्मद इदरीस ने सांसद डॉक्टर एस टी हसन से मांग की कि पीपलसाना से मैरिज हॉल से सीधा रेलवे लाइन को जोड़ते हुए दरगाह नौ गजों तक का रोड का निर्माण कराया जा सके तथा रेल मंत्रालय द्वारा इसी मार्ग पर अंडर बाईपास का निर्माण हो, जिससे पीपलसाना में लगने वाले जाम की समस्या का स्थायी समाधान हो सके। पीपलसाना की दोनों साइडों पर बाईपास बनवाया जाए, जिससे वाहन क्षेत्र पीपलसाना के बाहर से बाहर ही निकल कर जा सके। हर गांव के हर कब्रिस्तान के निकट एक हाई मास्क लाइट लगवाई जाए, जिससे दफन व नमाज जनाजा उजाले में पढ़ाई जा सके। इसके अलावा वाजिदपुर तिगरी महमूदपुर तिगरी 200 मीटर सीसी रोड बनाया जाए तथा पीपलसाना काशीपुर हाईवे से लेकर सेहल तक के पड़े रोड को गड्ढा मुक्त बनाने हेतु मरम्मत कराई जाए। इस अवसर पर नेशनल मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघ परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष नफीस पाशा व पूर्व जेल विजिटर मोहम्मद इदरीस व सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सांसद डॉक्टर एस टी हसन को उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड के निर्विरोध सदस्य निर्वाचित होने पर फूल माला पहना कर मुबारकबाद भी दी। इस अवसर पर शफीक अहमद, डॉक्टर मुजाहिर हसन, शमसुल कमर, शरीफ अहमद, नरेश चंद्र, भूषण मिश्र, रियाज आलम अंसारी, शमीम बाबू, सलीम शाह, आलम अंसारी, बाबू अंसारी, अजीम अंसारी, इकरार पाशा, इफ्तिखार उर्फ बड़ा, अजीम कुरैशी, रईस अंसारी, मोहम्मद फैज पाशा, मोहम्मद अहमद इदरीसी, आदिल पाशा, सुहेल पाशा आदि उपस्थित रहे। माननीय संसद जी आज हमारी ग्राम पंचायत पीपलसाना पर आए थे, उसके बाद हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता और हमारे गणमान्य व्यक्ति सारे इकट्ठा थे। कोई प्रोग्राम वैसे नहीं था, मगर माननीय संसद जी जैसे अभी सदस्य बने हैं व वोट के निर्वाचित हुए हैं, उसकी हम सब कार्यकर्ताओं ने एक वह स्वागत रखा था और उस पर सभी हमारे कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनको जो है फूल माला पहनाकर बधाई दी और उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। और क्षेत्र की छोटी बड़ी समस्याएं जो थी, जैसे कहीं रोड बनना था, किसी गांव में लाइट लगनी थी, तो वो भी कई तरह के हमने काम बताए, जैसे कि एक महमूदपुर तिगरी में 200 मीटर का रोड बताया है बनाने के लिए हमने, और एक लटोरी सा दरगाह हमारी है यहाँ पे एक बड़ी लाइट लगने के लिए हमने बताया है। और हमारे जैसे कि एक हमारा मैरिज हॉल अभी पीपलसाना में जो है यहाँ रेलवे लाइन के नीचे से एक अंडर रोड निकलने के लिए हमने उनसे मांग की है, जिस पर उन्होंने लोकसभा में इसको रखने के लिए भी बात कही है और अनेक गाँव में भी निर्माण कार्य की जो हमने प्रस्ताव उनको दिया है उस पर माननीय सांसद जी ने हम सबको आश्वासन दिया है जल्द कराने के लिए। जैसे किस्त आएगी माननीय सांसद जी से हम सबको उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द वो कार्य कराएंगे। उन्होंने हमें सबको इसका आश्वासन दिया है। और भी कुछ हमारे राजनीति बात भी हुई, जिससे कि क्षेत्र की समाजवादी को जोड़ने के लिए और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए और सारे नए लोगों को जोड़ने के लिए भी हमारे माननीय सांसद जी से बात हुई है। और अब हम सभी कार्यकर्ता एक होकर 2022 की तैयारी कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है आने वाले 2022 में हम अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से हम सब कार्यकर्ता मिलकर समाजवादी के प्रत्याशियों को जिताएंगे।